सच का साथ देने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और आपके क्या विचार हैं हमारी वीडियो के लिए हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। थैंक यू। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीति शर्मा, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। आज हम सच की खोज में पहुंचे हैं, उस सच की खोज जो शायद आप तक नहीं पहुंचा, जो शायद कहीं छुपा हुआ है। कुछ टाइम पहले मीडिया ने बहुत सारी न्यूज़ दिखाई थी, एपिसोड बना बना करके लोगों में परोसा था। न्यूज़ इस तरह से दिखाई गई थी कि वो हेडलाइंस बन बन के लोगों के बीच में आई थी। उस न्यूज़ में कितनी सच्चाई है, उन एपिसोड्स में कितनी सच्चाई है, हम ये लोगों से बातचीत करके जानेंगे, उनसे बात करते हैं, जानते हैं उस न्यूज़ की सच्चाई। जी मैम, आपका क्या नाम है? शिक्षा। आप डेरा सच्चा सौदा से कब से जुड़े हैं? 22 सालों में। 22 सालों में क्या आपने, से ज़्यादा ही होगी जाए 22 सालों में, क्या आपने कभी भी कुछ भी गलत होते हुए देखा है? कभी नहीं। जैसा कि मीडिया में दिखाया जा रहा है कि वहाँ पर बहुत कुछ गलत होता था डेरा सच्चा सौदा में, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? मीडिया तो पता नहीं क्या क्या दिखा देती, सच को तो कभी दिखाती नहीं। जहाँ सच्चाई होती तो वहाँ झूठ का बोलबाला तो होता ही है, वो इसलिए दिखाती। और मीडिया में और लोग भी आपको अंधभक्त कह रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप इस बारे में? ये तो दुनिया है, ये तो जहाँ संत महात्मा होते हैं वो पहले से ही होता है। पहले किसी को अग्नि में जला दे, किसी को फांसी दे दी, किसी को जिंदे को चिनवा दे, किसी को जब सीता को अग्नि परीक्षा ले ली, सीता को ही नहीं छोड़ दें। तो ये तो दुनिया है, जहाँ अच्छाई है वहाँ बुराई है, साथ साथ बुराई वाले भी तो साथ होते हैं। जब रामचंद्र जी आए तो रावण साथ आया, कृष्ण जी आए तो कंस साथ आया। तो ये तो होता ही, पहले से जहाँ अच्छाई होती है वहाँ बुराई होती है। गुरु जी का लड़कियों के प्रति और औरतों के प्रति कैसा व्यवहार था? बहुत अच्छा, कोई भी दुनिया में नहीं कर सकता इतना, कुछ नहीं है ऐसा, कुछ भी नहीं जो वहाँ तक नहीं गया, जो उस चीज़ से चिढ़ता है। और सच्चाई तो ये, जो वे बुराई छुड़वाते हैं और जो बुराई करने वाले उनसे चिढ़ते हैं, वो ऐसा ही कहेंगे। वो तो इसलिए थी कि जहाँ पे ऐसा होता अपने बुजुर्गों की अस्थियाँ जल में प्रवाहित ना करें, गंगा की सफाई करो, गंगा यमुना की सफाई होनी चाहिए। और ये ऐसी जगह विसर्जन करनी चाहिए कि जमीन में गाड़ दो, उस पर पेड़ उग जाए। तो यहाँ होता है आश्रम में, जैसे वो अस्थियाँ दे जाते हैं तो वो दिखा दी होंगी, सब झूठ है, 1% भी एक सुई की नोक जितना भी सच्चाई नहीं। आपके अपने गुरु पे कितना विश्वास है आज? दृढ़ विश्वास, जो कोई जिस चीज की चाहे गर्दन काट ले, अब यहाँ तुम अजमा के देख लो चाहे, मैं अपनी गर्दन कटवा दूंगी पक्का। और मेरे वो चाह है मेरी दुनिया उन्हीं से, मेरे दो बच्चे मैं कसम खा सकती हूँ। जो लोग मीडिया में लगातार आके गलत बोल रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप उनके बारे में? बस दुनिया का अपना काम है, अच्छा अच्छा ही करता है, बुरा बुरा ही करता है, वो अपनी आदत से मजबूर है। बहुत धन्यवाद। ये तो वो लोग जो डेरा सच्चा सौदा में काफी लंबे समय से जा रहे हैं, इन्होंने अपना विश्वास, अपनी आस्था बाबा राम रहीम जी और डेरा सच्चा सौदा के लिए बताई। और वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए द फैक्ट टाइम के साथ, देखते रहिए लोगों की सच्ची बात।